इंदौर जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने इतिहास रच दिया है। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 5 में कन्हैयालाल ठाकुर ने जीत का परचम लहराकर अपने प्रतिद्वंदी को करारी शिकस्त दी है। वहीं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत करते हुए विजयी प्रत्याशियों ने मतदाताओं का आभार जताते हुए उनके विश्वास पर खरा उतरने की बात कही है। इंदौर जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने रचा इतिहास। भाजपा के गढ़ में कन्हैयालाल ठाकुर ने दिखाया दम। कांग्रेस ने क्षेत्र क्रमांक 5 में ऐतिहासिक जीत की दर्ज। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जीत का जश्न। महू विधानसभा के भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत में इस बार कांग्रेस की विजय हुई है। इस वार्ड क्षेत्र में भाजपा के कई दिग्गज नेता कविता पाटीदार, रामकरण भामर, ओम पसावदिया भाजपा के नेता जिला पंचायत चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के कन्हैयालाल ठाकुर ने भाजपा को करारी मात देते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जिला पंचायत के रण में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं विजयी प्रत्याशी कन्हैयालाल ठाकुर ने अपनी जीत का श्रेय क्षेत्र के मतदाता और कार्यकर्ताओं को दिया है। कन्हैयालाल ठाकुर ने कहा कि जो विश्वास मतदाताओं ने उन पर जताया है वह उस पर खरा उतरेंगे और क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 5 की जो मेरे आशीर्वादाता युवा साथी मातृशक्ति का जो सहयोग मिला उसको मैं हृदय से उनको आभार प्रकट करता हूँ कि उनने जितना प्यार दिया शायद किसी को जितना प्यार मिला होगा। हर घर माता बहनों ने मेरे सिर पे हाथ रख के और आशीर्वाद दिया कि आपको जिताएंगे और हर घर पे तिलक लगा के और स्वागत और माला से स्वागत किया गया। मेरी तो सबसे बड़ी जीत वही है कि पब्लिक का प्यार काफ़ी मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार किसी दूल्हा घोड़ी पे बैठता है उसका सम्मान और स्वागत, उसके सामने नाच गाने युवा लोग नाचते हैं, उस प्रकार मेरा हर गांव में स्वागत और सम्मान हुआ। और चलते चुनाव में भी बहुत सारी जगह केले से भी तोला गया। अभी चुनाव जीतने के बाद मैं 10-12 पंचायत में करीब करीब जा चुका हूँ तो कहीं नारियल से तोल रहे हैं, कहीं केले से तोल रहे हैं और वापस वैसे ही मेरे को तिलक लगा के और माला से स्वागत और ढोल ढमाके से स्वागत कर रहे हैं। प्राथमिकता का सवाल है, मेरे क्षेत्र में काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के धुलंधर लोग पहले चुनाव लड़े हैं, जिस प्रकार ओम प्रसावदिया जी लड़े, कविता पाटीदार जी लड़ी, उसके पहले रामकरण भामर जी लड़े, मगर उस क्षेत्र की इतनी समस्या है, किसी को कार्ड नहीं मिला, गरीब के झोपड़े में छत नहीं है, प्लास्टिक में रह रहे हैं, वोटर लिस्ट में किसी के नाम नहीं कट गए, गांव के गांव उनकी लाइन के लाइन उड़ा दिए गए, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, परित्यक्ता पेंशन नहीं मिल रही, गरीब आदिवासी बेल्ट है मेरा, करीब करीब 50% आदिवासी बेल्ट है मेरा, गरीब लोगों का बेल्ट है, मगर वहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं मिली है। तो सबसे मेरी बात प्राथमिकता रहेगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव करवा के, मैं हमारी जो मतदाता है गांव में इस बार पहली बार उससे हुआ 15-20 साल में ब्लड पेपर से, तो थोड़ा अनभिज्ञ हुआ, उस कारण भी रिजेक्ट भी काफ़ी हुए, तो ये ऐसा रहा है। अच्छा मत से जीते हैं और पब्लिक की बहुत अभिलाषा है। 20-25 साल से हमारे विधायक भी नहीं है और जिला पंचायत का वार्ड भी नहीं है, तो काफ़ी मुझसे उनकी अभिलाषा है, भले ही वो सामान्य व्यक्ति हो, पैसे वाला व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, बहुत भावना है और मन उनसे कि उनको लग रहा है कि हमारे व्यक्ति जो जीता है वो हमारा खरा उतरेगा। और मेरी भी ऐसी विचार सोच है कि चाहे कुछ भी हो जाए उनके लिए हर वक्त में खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं जिंदा ही उन्हीं की वजह से हुआ,
ये तो सेकंड जो कोरोना का दौर आया था उसमें मैं हॉस्पिटल में 18 दिन में आईसीयू में रहा और फिर वापस घर आया। तो मेरी तो यही इच्छा और भावना है कि मैं अब जीवन जितना रहूंगा तब तक पब्लिक की सेवा करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपको बता दें कि महू जनपद से जिला जनपद के लिए वार्ड नंबर 5 से विजयी प्रत्याशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कन्हैया लाल ठाकुर मिलनसार और समाज सेवी हैं और पिछले 25 साल से क्षेत्र में सक्रिय हैं। यही वजह है कि इस बार मतदाताओं ने उन पर विश्वास जताया है। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।